नहीं है, सुबह का खुला हुआ है। इसके अंदर वो डालो, तो लिखना होगा। ठीक, और कल करेंगे। बाकी कब करने हैं? कल कल कल, ये रह गए। The next day. रेडी हो गए हैं? सारे रेडी हैं। बाकी सब देख रहे हैं, बस चेक कर लिएगा, गलत ना चला जाए। सुबह हो गई, करते करते सुबह हो गई, नहीं सो गई थी तो रात में कर लेते हैं। वन बाय वन बताओ, मैं देखती हूँ नंबर। लाओ, चेंज भी नहीं किया अभी आपने। अरे मैं अचार ले तो आई, इसमें डाल लेना साइड पे, पानी नहीं है, एक ही प्लेट में डाल लें। अचार 15 दिन में ही आधा कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से ना पानी है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। ये गुलाम है, हम कोई गुलाम है? यस, सिर्फ इधर ही डाल लो, सिम साइड पे। तो नाश्ता करते हैं, मैं जाऊंगा जल्दी से, मुझे भूख लगाना है। वो वाली आपकी वीडियो नहीं थी वो जो उस दिन अपन ने मॉर्निंग में बनाई थी, आप कंपनी जा रहे थे उस टाइम, वो मुझसे डिलीट हो गई, अपलोड ही नहीं हुई। और उस दिन जगह नहीं थी ना, स्पेस नहीं थी मेरे पास, तो मैंने एक दो वीडियो डिलीट कर दी, और पता लगा ले भाई वो भी डिलीट हो गई। याद है वो वाली? अच्छा, अब मेरी डिलीट कर दी ना? ले कर दी, हो गई, तौबा है। ये कौन उठाएगा? ये तुम उठा देना, मैं जरा सब आगे की देता हूं, काम तो क्या है। फटाफट एक मिनट, जरा फटाफट फटाफट का 10:45, सुबह के 10:45 फटाफट। ये वाला बेकार हो गया, इसको हटा दिएगा। ठीक है, दोनों नहीं, वो रहने दिएगा, अभी रोक लेंगे बस। और उसको भी हटा, चल ठीक है, उसको एड्रेस चाहिए, एड्रेस चाहिए उसका। वाह, कसम खुदा की, कपड़े पहन के हैंगर तो कोई ऐसे फेंके। ओ सॉरी, वो गलती हो गई। मैं कह रही हूँ कि यहाँ टांगने की क्या जरूरत है, वहाँ फेंको, नहीं फेंको तौलिया वहाँ क्यों फेंका है, नीचे फेंको। वाह भाई, कपड़े यहाँ फेंक दिए बच्चों के, पॉलीबैग खाली में। ऐसे नहीं करो, चलो अच्छा, खैर कोई नहीं, जल्दी करो, चलो आप ले जाओ ये मुझे। सही, चलो क्या समझ नहीं आ रही, क्या बोला है आपने? वसीम वो ना, मेरी चप्पल टूट रही है यार, मुझे न्यू चाहिए। जोर जोर से मारो, खुद ही झड़ जाएगी। एक पैंट ज्यादा ऊपर कर ली, एक पाइचा नीचे लटक रहा है, थोड़ा पूरा तो करो, बराबर तो करो, पता नहीं क्या बन के जा रहे हो। तो भाई जो भी जा रहा हूं, सही अच्छा मैं क्लियर कर दूं, आज ये अपनी जॉब पे नहीं जा रहे, कहीं और जा रहे हैं। आउटडोर काम, क्या काम करते हैं आप आउटडोर, क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? सोलर सिस्टम लगाने जा रहा हूं। क्या ये? अच्छा अब तो वो आगे आ गए, मेरा भी मुंह भी नहीं धुला है, नाश्ता हो गया। ये कहाँ टांगोगे? आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो निकलने से पहले, उषा पढ़ नहीं अभी, क्या टाइम हो रहा है अभी? 11:30 वाले हैं। ग्लासेस वगैरह ले जाते हैं, छोड़ो, अच्छा रहने दो, रहने दो, रहने दो, नहीं नहीं रहने दो, रहने दो, अबे यार नहीं करो, लेकर आती हूँ।
साफ ही साफ है। तो जी आ गए हैं हम एक दिन पहले, मतलब जो है वो मॉर्निंग का शूट आपने अभी देखा है उसे एक रात पहले का है। तो रात में हम दोनों बैठे हुए पैकिंग ही कर रहे थे, तो मैंने सोचा लाओ यार शूट भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, कि हम लोग किस तरह काम करते हैं दोनों मिलके और क्या क्या कर रहे होते हैं या किस तरह किन चीज़ों से पैक कर रहे होते हैं। तो श्रिंग होता है और बबल रैप वगैरह होता है, इस तरह उनसे पैक करते हैं। टेपिंग यूज़ होती है और काफ़ी सारी ऐसी एक्सेसरीज होती हैं जो आपको जो वो यूज़ करनी पड़ती हैं अपने पैकिंग में। और जो है इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बनाएंगे कि हम क्या प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं या वसीम क्या प्रोडक्ट घर में बनाते हैं, तो ये सब भी करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ। तो यहाँ मैं जो है वो कर रही हूँ बबल रैप, क्योंकि जो प्रोडक्ट मैं अभी पैक कर रही हूँ बहुत छोटी सी है, तो उसको अच्छी तरह सेव करके फिर ही भेजना होगा, वरना हैंडलिंग होती है तो हैंडलिंग में कुछ ना कुछ ब्रेक हो जाता है, जो कि हमारा भी नुकसान होता है और जो है वो जिस चीज़ जिस शख्स के पास वो चीज़ जा रही होती है ओबियसली उसका नुकसान तो नहीं होता, लेकिन ये है कि अच्छा नहीं लगता, शॉप की रेट ख़राब होता है, शॉप की जो है वो इमेज ख़राब होती है। तो यहाँ मैंने अब बबल रैप करके अंदर बॉक्स में डाला है, अब बॉक्स को भी ऊपर से पैक करूँगा। इस दौरान हम लोग काफ़ी सारी बातें कर रहे थे जो कि मुझे म्यूट करनी पड़ी क्योंकि पीछे से बैकग्राउंड से आवाज़ बहुत ज़्यादा आई थी। ऑब्वियसली घर में सब होते हैं, सब बातें कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं एक दूसरे को, तो ये सब होता है, तो वो आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही थी, वरना मैं अपनी ओरिजिनली वॉइस रखती कि मैं हम लोग क्या क्या बातें कर रहे थे। हम लोगों को होता है दोनों आपस में मस्ती मजाक करते रहते हैं, ज़्यादातर सीरियस कम ही होते हैं हो भी जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ अब जो है ये मैं इसको ऊपर से भी बबल रैप कर दूँगी, उसके बाद हम इसे पैकिंग वगैरह में डालेंगे। और यहाँ ये जो है वो एक दूसरे प्रोडक्ट है उस पर स्टिकर वगैरह लगा रहे हैं और कुछ पैक करके रख दिए हैं। और जो है जो 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 लोग दराज का काम करते हैं या इस तरह से ऑनलाइन काम करते हैं उनको आइडिया होगा कि पैकिंग कितनी मुश्किल हो जाती है। कभी कभी आपके पास अगर सामान मौजूद ना हो पैकिंग का, तो आप उसको किस तरह हैंडल करते हो, क्योंकि जब एक शख्स ऑर्डर करता है तो वो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को नहीं देखता, वो उस प्रोडक्ट को खोलने से लेकर पहुँच उसके हाथ में आती है और आने से खोलने तक का सारा वो नोटिस कर रहा होता है कि क्या क्या है, किस किस तरह पैक किया जा रहा है। पैक करने को तो ऐसी तैसी भी करके पैक कर सकते हैं, लेकिन वो आपका फिर वो इमेज ख़राब होती है ना, कि हाँ भाई एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है चीज़ का भी, अपना भी, प्रोडक्ट का भी, कि हाँ ऑब्वियसली वो उन्होंने हमें देखा तो नहीं होता, बट ये कि उन्हें चीज़ से अंदाज़ा होता है या उस प्रोडक्ट की पैकिंग से अंदाज़ा होता है कि हाँ भेजने वाला जो है वाकई एक प्रोफेशनल बंदा है। तो बात ये होती है और कोई बात नहीं होती है। तो खैर बस ये हम दोनों यही कर रहे हैं, और अभी आप आगे देखेंगे कि हमारे पास ना एक मतलब ऑब्वियसली जब कोई बड़ी प्रोडक्ट होती है तो उसको हम सिर्फ ओनली बबल रैप नहीं कर सकते, उसको पहले अच्छी तरह गत्ते से कवर करते हैं और फिर उसको दूसरी चीज़ों से कवर कर रहे होते हैं ना। तो फिर अब वो मेरे पास गद्दा मौजूद नहीं था, मैंने कहा ऐसा करते हैं वसीम कि इसको हाफ़ कर लेते हैं। जब हम गत्ते को हाफ़ करते हैं, अभी आप देखना कार्डबोर्ड जो है ना उसको मैं हाफ़ करके दो टुकड़ों में कर दूँगी, मीन्स के वो एक अप एंड डाउन वाली लाइन्स होती है ना, वो वाला सॉफ्ट पार्ट होता है, और पूरा हम कवर करें तो एक बहुत मोटा मोटा हो जाता है ना। तो अभी मैंने वही काम करना है इधर ना अभी आगे, तो बस और जो है वो आप लोग अपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को भी, अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लो, और अगर सब्सक्राइब किया हुआ और बेल आइकन नहीं प्रेस किया हुआ, ये देखो मैं यही काम करूँगी अब, तो प्रेस कर लेना, शायद मुझे नींद आ रही है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ये देखो अब मैंने क्या किया, उसके टू पार्ट्स कर लिए ना आगे और पीछे से, मतलब के फ्रंट और बैक साइड से, तो वो ये कि फोल्डिंग इजी हो जाएगा, वो फोल्ड आसानी से हो जाएगा, ये तेरी खैर तो ये है कि काम इजी हो जाएगा, वरना दूसरे उसमें अगर मैं करती तो वो बहुत मोटा मोटा जाता। वैसे ये कि इस तरह का हमारे पास होता है बहुत पतला सा, उसमें हम पैकिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना,
तो यहाँ आप जो है मैं पॉली बैग वगैरह में डाल रही हूँ जिस जिसके पार्सल हैं, कुछ अभी कर लिया और फिर नेक्स्ट आपने मॉर्निंग का शूट तो देखा ही होगा आगे, वो मैंने मॉर्निंग में रखते क्योंकि हम लोग की थोड़ी खिटपिट चल रही थी, मजाक मस्ती चल रही थी, तो मैंने कहा यार वो स्टार्ट में डालेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जो है वीडियो को लाइक कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत नींद आ रही है, टाटा बाय बाय।